जिला सोलन के अर्की उपमंडल मुख्यालय में युवा खिलाड़ी नवीन कार्तिक व जितेंद्र द्वारा बास्केटबॉल ओपन प्रतियोगिता का आयोजन अर्की के ऐतिहासिक चौगान में किया जा रहा है, जिसके शुभारंभ पर विकास समिति अर्की के संयोजक राजेंद्र ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आयोजकों व उपस्थित खिलाड़ियों द्वारा मुख्य अतिथि का फूल मालाओं व स्मृति चिन्ह देकर भव्य स्वागत व अभिनंदन किया गया। वहीं प्रतियोगिता के बारे में अधिक जानकारी देते हुए आयोजक व युवा खिलाड़ी नवीन कुमार ने बताया कि ये प्रतियोगिता 3 दिवसीय है, जिसमें हरियाणा, पंजाब व हिमाचल की लगभग 20 टीमें भाग ले रही है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के प्रथम विजेता को 21,000 का नकद पुरस्कार व ट्रॉफी दी जाएगी व द्वितीय को 11,000 व ट्रॉफी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रेफरी का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि राजेंद्र ठाकुर ने सफल आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, ऐसी प्रतियोगिताओं से युवाओं का मनोबल बढ़ता है। अर्की के युवाओं द्वारा जो ये ओपन बास्केटबॉल की टूर्नामेंट स्टार्ट की है, इसलिए मैं अपनी तरफ से उनको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो टूर्नामेंट है बड़ी अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें स्टेट के बाहर से भी खिलाड़ी यहाँ पहुँचे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये एक अर्की क्षेत्र में, अगर हिमाचल बाहर से पंजाब और हरियाणा से टीमें आ रही हैं, तो खुद में अर्की का जहाँ नाम बढ़ता है, प्रदेश का नाम बढ़ता है। सभी ऑर्गेनाइजर जितने भी यंगस्टर हैं अर्की के, उनको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी इसमें कोई आपको फाइनेंशली किसी और किस्म की जो जरूरत पड़ेगी, उसमें हम आपके साथ रहेंगे। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ।